हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे एक अनजानी कथा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये है कृष्णा और चंदन की खोज। एक दिन वृंदावन में भगवान कृष्ण और उनके सखा गोपियों के साथ गोबर के टुकड़ों से खेल रहे थे। कृष्णा ने अपने सखाओं से कहा, देखो आज मैं एक नया खेल सोचता हूँ, चंदन चंदन के खोज में चलेंगे। सखास बड़े उत्साहित हुए और चंदन की खोज के लिए तैयार हो गए। कृष्ण और उनके सखा गोबर से चंदन की खुशबू के इशारों को पहचान वृंदावन के जंगल में खोजने निकले। सखास जंगल में चले गए और धीरे धीरे चंदन की खोज करने लगे। लेकिन चंदन मिलना आसान नहीं था, क्योंकि वो जंगल के अंदर छुपी हुई थी। कृष्ण ने सखाओं से एक अनंत सुंदर तारिका बताई, कैसे चंदन की खोज की जा सकती है। कृष्ण ने सखास से कहा, देखो चंदन तो यहाँ है, लेकिन तुम्हें उसकी खोज में एक अद्भुत राज पता चलेगा। चंदन की खोज में एक प्रेम से और प्यार से व्यक्ति को चाहिए। जब तुम प्रेम और प्यार से चंदन को छुओगे तो वो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। सखास समझ गए कि चंदन की खोज में सिर्फ प्यार और समर्पण भावना से ही सफलता मिलेगी। वे चंदन को प्रेम से छूकर लेन लगे और देखो चंदन अपने आप उनके हाथों में आ गया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि भगवान कृष्ण हमेशा प्रेम और समर्पित भावना से जुड़ी कथाओं के माध्यम से हमारे मन और आत्मा को मोहित करते हैं। कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हमें प्रेम, समझदारी और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस तरह कृष्ण और चंदन की खोज के माध्यम से हम सभी को एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, प्रेम और समर्पित भावना ही जीवन में असली खुशियों का राज है। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।